चैन से सोना है तो अब जाग जाओ। आपके चैन और सुकून के लिए रोज जागता है क्राइम रिपोर्टर। नमस्कार, मैं हूं नवीन कुमार। क्राइम रिपोर्टर में आज होगा खुलासा आसाराम के छल और फरेब का। लेकिन पहले देखते हैं अहमदाबाद में पेशी के लिए जोधपुर से कैसे पहुंचा आसाराम। यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद आसाराम को जोधपुर से फ्लाइट के जरिए अहमदाबाद ले जाया गया। देखिए इस दौरान कैसे पूरे सफर में आसाराम अखबार से अपना चेहरा छिपाता रहा। आसाराम उड़ान के वक्त भी सुरक्षा घेरे में रहा। जोधपुर से मुंबई तक 2 घंटे 10 मिनट के सफर में आसाराम अखबार से मुंह छिपाए रहा। फ्लाइट के अंदर तो आसाराम ने अपना चेहरा छिपा लिया, लेकिन एयरपोर्ट पर उसे सबके सामने आना ही पड़ा। आसाराम के छल और फरेब के शिकार हुए लोगों में वृंदावन का एक संत का भी नाम है। इस संत के साथ आसाराम ने कैसे किया विश्वासघात, देखिए धोखाधड़ी की पूरी कहानी संत की जुबानी। वृंदावन में संत का जीवन बिताने वाले मोहन प्रसाद 4.5 साल से भटक रहे हैं, आसाराम के एक आश्रम से दूसरे आश्रम तक। मन में एक ही चाहत है कि किसी तरह आसाराम से मुलाकात हो जाए, लेकिन मोहन प्रसाद जितना उनसे मिलने की कोशिश करते रहे, आसाराम इनसे उतना ही दूर भागते रहे। जैसे सूरत में गया, अहमदाबाद गया, इंदौर में गया, दिल्ली में उनका कथा कार्यक्रम था वहां भी गया, मथुरा में कुछ महीने पहले कार्यक्रम था वहां गया। मैं प्रयत्न किया कि आसाराम से 2 मिनट मिल के आग्रह करूं। मोहन प्रसाद आसाराम से मिलने के लिए एक समागम से दूसरे समागम तक जाते रहे, लेकिन वहां भी उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं मिलती। मुझसे मिलना क्या, उनके जो गुरुवे थे मुझे धक्के दे करके, मुझे मारपीट करके भगा दिया, उनसे मिलने तक नहीं दिया। आखिर एक संत 4 साल से आसाराम के पीछे क्यों पड़ा है? आसाराम संत से बचकर क्यों भाग रहे हैं? आसाराम के सेवादार संत के साथ क्यों करते हैं मारपीट? मोहन प्रसाद को तलाश है अपनी पत्नी रमा देवी की। उनका कहना है कि रमा देवी को 2009 में आसाराम के मोटेरा आश्रम से गायब कर दिया गया और तब से वो अलग अलग आश्रमों में जाकर आसाराम से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। आसाराम का ऐसा ही एक समागम था जब वृंदावन के रहने वाले मोहन प्रसाद ने पहली बार आसाराम के मुंह से राम की कथा सुनी थी। हद हो गई, कौन कहता है कि रंग नहीं चढ़ता। वृंदावन में पत्नी रमा देवी के साथ संतों जैसी जिंदगी जीने वाले खुद मोहन प्रसाद के दिलो दिमाग में आसाराम की ऐसी छवि बनी कि हजारों लोगों की तरह वो भी उनके मुरीद बन गए। आश्रम में संत से दगाबाजी, गायब हो गई संत की पत्नी। आसाराम पर विश्वास इस कदर मजबूत हुआ कि 9 फरवरी 2009 को ये पत्नी रमा देवी को साथ लेकर अहमदाबाद में आसाराम के मोटेरा आश्रम जा पहुंचे। बस वो दिन था और ये आज का दिन। 4.5 साल का लंबा वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब तक मोहन प्रसाद को ये नहीं मालूम कि उनकी पत्नी कहाँ है। उस दिन वो आसाराम के आश्रम के अंदर गई तो फिर कभी बाहर नहीं आई। आश्रम में उनके साथ क्या हुआ, ये सोच सोच कर ही मोहन प्रसाद का दिल भराता है, लेकिन आश्रम में कोई इनको ये बताने को तैयार नहीं है कि इनकी पत्नी आखिर है कहां। तो 9 फरवरी 2009 को आसाराम के आश्रम मोटेरा गांव में जो महिला आश्रम है वहां से मेरी पत्नी जब गुम हो गई। मोहन प्रसाद के मुताबिक वो आश्रम में वैद्यों से अपनी पत्नी का इलाज करवाना चाहते थे, लेकिन साधकों ने रमा देवी के स्त्री होने का हवाला देकर उन्हें एक अलग आश्रम में भेज दिया। आधे घंटे बाद जब ये पत्नी को लेने आश्रम के गेट पर पहुंचे तो रमा देवी का कहीं कोई अता पता नहीं था। जहां तक भी संभव हुआ पूरे गुजरात को छान मारा, 50 लाख पर्चे बनवा करके छपवा करके पूरे गुजरात में बांट दिया, कहीं से हमें किसी प्रकार का
ऐसा कुछ सुराग नहीं मिला। 8-10 घंटे के इंतजार के बाद भी जब रमा देवी नहीं मिली तो ये अहमदाबाद पुलिस के पास पहुंचे। काफी दौड़ भाग के बाद पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन 4.5 साल बाद भी पुलिस रमा देवी का पता नहीं लगा सकी है। 4 साल बाद भी अधूरी तलाश। आश्रम में कहां गई संत की पत्नी? भगवा पहनने वाले एक शख्स के लिए आसाराम से मिलना इतना मुश्किल क्यों हो गया, और वो भी अभी तक मोहन प्रसाद से क्यों नहीं मिला? हर बार उन्हें मार पीट कर आश्रम से बाहर क्यों भगा दिया गया? आखिर क्या है इस मामले का सच? आसाराम अपने भक्तों से खुलकर मिलते हैं, प्रवचन सुनाते हैं। जो जहां से उत्पत्ति होती है वो वहां के तरफ जाता है, आशीर्वाद देते हैं। लेकिन 4.5 सालों में मोहन प्रसाद ने आसाराम से मिलने की हर कोशिश करके देखी, हर जगह गए, हर मुमकिन कोशिश कर ली, लेकिन हर बार नाकामी ही हाथ लगी। मोहन प्रसाद को जब भी आसाराम के किसी समागम का पता चलता वो फौरन वहां पहुंच जाते थे, लेकिन समागमों में भी उनको आसाराम से नहीं मिलने दिया गया। उल्टा कई बार उन्हें मारपीट करके वहां से भगा दिया गया। मेरे साथ धक्का मुक्की, मारपीट, डराना धमकाना, मैं जब आश्रम के 2-3 जहां कथा प्रवचन हुए वहां मैं गया, आसाराम से 2 मिनट मिल के आग्रह करूं, आप अपने अनुयायी को आग्रह करें जो आप बता रहे हैं कि करोड़ों की संख्या में है, तो कहीं भी देख रहे हो तो मेरी पत्नी अगर मिल जाती है तो हम समझेंगे आपकी हम पर कृपा हुई। अब सवाल ये है कि 4.5 साल तक मोहन प्रसाद से मिलने से क्यों बचते रहे आसाराम? आसाराम के आश्रम से रमा देवी कैसे और कहां गायब हो गई? क्या आश्रम के सेवादारों ने उन्हें किसी के कहने पर वहां से गायब किया? सवाल ये भी है कि इस मामले में आज तक अहमदाबाद पुलिस ने आसाराम और उनके सेवादारों से कोई पूछताछ क्यों नहीं की? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मामले के पीछे भी आसाराम का कोई स्याह सच छिपा है? अगर वो स्याह सच वक्त रहते सामने आ गया होता तो शायद आसाराम पर लगे संगीन इल्जामों की फेहरिस्त इतनी लंबी नहीं होती। कि आसाराम के आश्रम में जो महिलाएं गायब हुई है, जो बच्चे गायब हुए हैं, जो बच्चों की हत्या हुई है, वो उनका जो काम था, कुछ लोगों ने बताया कि शरीर के पार्ट्स निकाल के बेच लेते थे, कुछ लोगों ने बताया कि तंत्र मंत्र के क्रिया करते थे, इस प्रकार से उनके रक्त से, उनके शरीर से, उनके चर्बी से, और फिर उनको दफन कर देते थे, उसे जला देते थे। एक वक्त था जब मोहन प्रसाद आसाराम पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे, लेकिन आज इनकी आंखों पर पड़ा पर्दा हट चुका है और सामने आ चुकी है आसाराम और उनके आश्रमों की स्याह हकीकत, और अब वो हर हाल में आसाराम के राज का पर्दाफाश कर उन्हें बेनकाब करने की कोशिश में लगे हैं। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। अपनी पत्नी की तलाश के लिए मोहन ने हर संभव कोशिश की। उम्र के इस दौर में भी उनका हौसला कम नहीं हुआ। आज भी वे आसाराम का पीछा करने के साथ ही पुलिस प्रशासन के पास भी लगातार भाग दौड़ कर रहे हैं। मेरा तो पूरा परिवार बर्बाद हो गया, बच्चे भी लग रहे हैं। बड़े बड़े आश्रमों में फैले आसाराम के साम्राज्य को चुनौती देना कोई आसान बात नहीं, और शायद इसीलिए मोहन प्रसाद की आवाज आश्रमों की 4 दीवारी को पार कर अंदर तक नहीं पहुंच सकी। एक तरफ उन्हें आसाराम और उनके सेवादारों से मायूसी मिली तो दूसरी तरफ गुजरात पुलिस के रवैये ने भी इन्हें पूरी तरह निराश किया। मोहन प्रसाद का आरोप है कि पुलिस ने गुमशुदगी का मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन रमा देवी को तलाशने की जहमत नहीं उठाई। जहां जहां भी शासन प्रशासन, थाना पुलिस का तो कितना सैकड़ों चक्कर मैं काट चुका, वहां से मुझे कोई भी किसी प्रकार से कोई सुनने को तैयार नहीं थे। आसाराम के प्रभाव में कोई केस लेने को तैयार नहीं थे। इसके बावजूद मोहन प्रसाद ने हार नहीं मानी, ये खुद अपने दम पर पत्नी की तलाश में जुटे रहे। मोहन प्रसाद ने पत्नी की गुमशुदगी के 5 लाख पर्चे छपवाकर गुजरात के अलग अलग जिलों में उन्हें बांटा।
इतना ही नहीं, इन्होंने 12 दिनों तक आसाराम के मोटेरा आश्रम के सामने भूख हड़ताल भी की, धरना दिया, लेकिन न ही आश्रम से कोई जवाब मिला और न ही पुलिस और प्रशासन से इनको किसी तरह का सहयोग मिला। वहां से मैं थक हार करके जब दिल्ली चलाया तो मैं राष्ट्रीय महिला आयोग, मानव अधिकार आयोग, वहां भी गया, लेकिन हमें कोई न्याय नहीं मिल पाया, न कोई जानकारी मिल पाई। महिला आयोग ने गुजरात सरकार को चिट्ठी लिखकर पूरे मामले की जांच का निर्देश भी दिया। इसके बावजूद रमा देवी की गुमशुदगी का मामला जहां का तहां अटका है, लेकिन मोहन प्रसाद ने अब भी हार नहीं मानी। उनका कहना है कि जब तक सांस रहेगी तब तक वो अपनी कोशिश जारी रखेंगे। 4.5 साल बीत जाने के बाद भी इस परिवार ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा, लेकिन बड़ा सवाल ये कि 4.5 साल पहले अगर सरकार और प्रशासन इनकी शिकायत को गंभीरता से ली होती तो शायद आसाराम के तिलिस्म से पर्दा काफी पहले उठ गया होता। कैमरामैन उज्जवल गांगुली के साथ राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। और अब बात देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की, जहां एक ट्रिपल मर्डर की मिस्ट्री से सनसनी फैल गई। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई। शक उसके बेटे पर है जो कि इस ट्रिपल मर्डर में खुद भी मौत के मुंह में समा चुका है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से सटा कल्याण का इलाका, यहां रविवार की रात हुए ट्रिपल मर्डर की मिस्ट्री ने सबको उलझा कर रख दिया। मौत पति पत्नी और उनके जवान बेटे की हुई है। इसी जगह सुभाष वानखेड़े, उनकी पत्नी और बेटा ज्ञानेश्वर वानखेड़े मृत पाए गए। लेकिन इनकी मौत से पहले नवी मुंबई के एरोली में रहने वाली सुभाष वानखेड़े की बेटी हेमलता लोखंडिया के मोबाइल पर ठीक 8:22 पर एक मैसेज आया। ये मैसेज भेजा था उसके भाई ज्ञानेश्वर ने, जिसमें लिखा था अर्जेंट हेल्प होम रॉबरी। इस मैसेज से हेमलता के होश उड़ गए और जब तक वो अपने पिता के घर पहुंची तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। मेरे पापा और मेरी मम्मी हॉल में ही चटाई पे हाथ पैर बांधे थे उनके दोनों के, भाई साइड में था। अपनी मौत से पहले ज्ञानेश्वर ने 8:28 पर पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100 पर भी यही खबर दी थी। इतना ही नहीं, उसने अपने जानने वाले करीब दर्जन भर लोगों को भी ऐसा ही SMS भेजा। स्वरूप के मैसेजेस किए गए थे, रॉबरी हो रही है, हेल्प कीजिए, ये स्वरूप के 12 मैसेजेस किए गए थे। करीब 1 महीने पहले ही सुभाष, उनकी पत्नी और बेटे ज्ञानेश्वर ने अपनी अलग अलग वसीयत बनाई थी और इन तीनों वसीयतों में हेमलता, उसके पति और बच्चे को उत्तराधिकारी बनाया गया है। पिछले महीने में 10 तारीख को विल बनाई गई है, उनकी बहन है, बहन के हस्बैंड है, इनके नाम पे या बच्चे के नाम पे, ऐसा तीनों ने एक दूसरे के नाम पे किया हुआ है। पहले माना जा रहा था कि ज्ञानेश्वर ने अपने माता पिता की हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली होगी और लोगों को गुमराह करने के लिए उसने तमाम SMS भेजे होंगे, लेकिन अब वसीयत का खुलासा होने के बाद पुलिस इस एंगल से भी मामले की जांच कर रही है। क्राइम रिपोर्टर में बस इतना ही। अगर आपके आसपास होता है कोई गुनाह तो आप हमें बताएं। हमारा पता है क्राइम रिपोर्टर, जी मीडिया, FC19, सेक्टर 16, नोएडा, उत्तर प्रदेश 201301। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, आप हमें फोन भी कर सकते हैं। और अब नवीन कुमार को दीजिए इजाजत, लेकिन चैन से सोना है तो आप जाग जाओ।